क्या द केरला मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस है या एक बार फिर मुस्लिम कम्युनिटी को हिट किया जा रहा है? आइए देखते हैं पहले थोड़ा ट्रेलर की झलक। मैं केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इस सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। गॉड एक कॉमन माइंड की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट? वो अपना शौहर कबूल है। कबूल फातिमा, अगले मिशन के लिए हमें हैंड ओवर करो। गरीब लाओ, खानदान से जुदा करो। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो द केरला मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस है, ऐसा मूवी मेकर बोल रहे हैं, जिसमें कुछ टीनेजर गर्ल्स को कैसे ये कन्वर्ट करके आईसिस ज्वाइन करवाया जाता है और जितनी भी लड़कियों को निशाना बनाया जाता है सब हिंदू या क्रिश्चियन है और कैसे इनका माइंडसेट करके टेररिस्ट बना दिया जाता है। ट्रेलर में तो यही नजर आ रहा। अब अगर बात करूं मैं टेररिज्म की, तो इनके लिए हिंदू हो या क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम, उनको अपने काम से मतलब है, ना कि किसी के मजहब से। लेकिन अगर ये स्टोरी सच में एक ट्रू स्टोरी है, तो वो लोग जो इस्लाम के नाम पर ऐसा गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं, इनको पकड़ कर सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए। लेकिन अगर मैं ट्रेलर का दूसरा रुख देखूं, मैं केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि जैसे इंडिया में लोग बड़ी तादाद में मुसलमान हो रहे हैं, बस इस चीज को रोकने के लिए एक कोशिश की गई हो इस मूवी में। क्योंकि ये खुद मूवी में दिखाया गया है कि केरला कुछ टाइम बाद इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, क्योंकि केरला के लोग बहुत तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अब कौन सी बात सच है, ये तो कुछ दिनों बाद मूवी रिलीज हो जाएगी 5 मई को, तो सबको मालूम हो ही जाएगा। आप सबकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।